हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स लेक्चर नंबर 1। देखिए, 1 अप्रैल की क्लास में हमने आपको बेसिक बताया था। बेसिक में हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा बात सिलेबस के बारे में नहीं की थी। वहाँ हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि भाई हम लोगों को पढ़ना कैसे है, कैसे हम लोगों को अपने फिजिक्स को स्टार्ट करना है। बहुत छोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि फिजिक्स में जो जनरली हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज से हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कहें या कुछ बेसिक कहें, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। और इस बेसिक के अंदर हम लोग कुछ मैथमेटिक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये जो बेसिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, इस बेसिक के अंदर हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उन मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो सबसे पहला नंबर हमारे पास में आता है बच्चों, उसका नाम है डिफरेंशिएशन। हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन की है। देखो, डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूँ तो कई तरीके का है। कई तरीके का मतलब यहाँ टाइप्स से नहीं है, कई तरीके का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि डिफरेंशिएशन अगर हम मैथमेटिक्स लेवल पर देखें तो उसका लेवल बड़ा राइज होता है, जिसकी बात हमें नहीं करनी है। हमें तो बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन पढ़ना है जिसका फिजिक्स में यूज होता है। मतलब वो हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना है जो कॉमन फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। वैसे डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में यानी 12th क्लास में पहुंचकर एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उसकी बात बिल्कुल नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ बेसिक डिफरेंशिएशन की बात करनी है, बेसिक डिफरेंशिएशन जिसके बेसिस पर हमारे 12th फिजिक्स में या 11th फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम पहचान कर सकें कि भाई कहाँ डिफरेंशिएशन का यूज़ होना है और कहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ होना है, और उन प्रॉब्लम्स को बना सकें। तो कुल मिलाकर बच्चों, आज हमारी 2 अप्रैल की जो क्लास है उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। आप लोग कॉपरेट करें और अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में आती है बच्चों, पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि यार हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ठीक है। मैंने बच्चों यहाँ लिखा एक्स। जनरली अगर कहीं खाली एक्स लिखा है या खाली वाई लिखा है या खाली जेड लिखा है या कोई भी टर्म लिखा हुआ है, ओनली वेरिएबल, यानी उसके सामने डी नहीं लगाया है मैंने। डी का मतलब यह है कि मैंने इसे खाली एक्स लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, एक तो हो गया एक्स, और एक हो गया जहाँ मैंने एक्स के सामने स्मॉल डी लगा रखा है। देखो, दो कंडीशंस है मेरे पास में। अगर मैं जो जनरली अभी बच्चा 10th क्लास के एग्ज़ाम देकर आया है, अगर मैं उसके इसके बारे में पूछूं तो मैं कहूंगी भैया पढ़ो, तो वो क्या पढ़ेगा इसे? जो अभी बच्चा जनरली 10th के एग्ज़ाम देकर 11th में आया है, वो कहेगा कि सर ये तो x है, ये स्मॉल d है और ये x है हमारे पास में। लेकिन हमें ऐसे नहीं इन्हें पढ़ना है स्टूडेंट। अब आपको क्या समझना है मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। अगर कहीं खाली x लिखा हुआ है, x, तो x का मतलब है लार्ज वैल्यू ऑफ x से। खाली x का मतलब है लार्ज वैल्यू ऑफ x, और जिस भी टर्म के सामने स्मॉल d लग गया है, स्मॉल d, जैसे कि लिखा हुआ है dx, इसे हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे बच्चों। एक तरीका है स्मॉल वैल्यू ऑफ x, यानी जिसके सामने d आ जाएगा उसे आप कंसीडर करके चलेंगे स्मॉल वैल्यू। dx का मतलब है बच्चों स्मॉल वैल्यू ऑफ x, ध्यान रखेंगे आप लोग मेरी बात को। dx का मतलब है x की एक स्मॉल वैल्यू। यह स्टूडेंट हम लोग इसे कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं, चेंज इन x, x की वैल्यू के अंदर जो चेंज आ रहा है वो हमारा x कहलाएगा। डिफरेंशिएशन तो बाद की बात है भैया, पहले तो जो बिल्कुल बेसिक टर्म है वो हमें देखना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि जो खाली x लिखा हुआ है उसका मतलब लार्ज वैल्यू से है, और जहाँ x के, y के, z के या किसी भी टर्म के सामने फिजिक्स में स्मॉल d लग गया है तो उसका मतलब क्या है? तो स्मॉल वैल्यू से है, या उसका मतलब चेंज से है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या है आप लोग ये समझिए, डिफरेंशिएशन क्या है स्टूडेंट। अगर हमें लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करना है
एक बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो जिस टर्म का मैं यूज करने वाला हूं बच्चों, वो टर्म हमारा कहलाएगा डिफरेंशिएशन। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। एक बड़ी वैल्यू को छोटे 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 टुकड़ों में बांटने के लिए, या एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जिस मैकेनिज्म का यूज होता है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, उसे हम डिफरेंशिएशन का नाम देंगे। ज़्यादातर फिजिक्स में इसी चीज़ का एप्लीकेशन है। बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में, एलिमेंटल पार्ट में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज़ करेंगे। ये कंडीशन है इसकी। उम्मीद करता हूँ कि जितनी दो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। x को dx में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशिएशन करेंगे। x का मतलब बड़ी वैल्यू से है, dx का मतलब स्मॉल वैल्यू से है, ठीक है? ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। ओके, इसके बाद की कंडीशन क्या है बच्चों? देखो, इसके बाद हमारे पास में आता है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। भाई सिंबॉल क्या है? डिफरेंशिएशन का कोई ना कोई सिंबॉल भी तो होगा। डिफरेंशिएशन का सिंबॉल क्या है? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये हमें देखना है स्टूडेंट। देखिए, डिफरेंशिएशन का जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होगा बच्चों, वो होगा ये d अपॉन dx या d अपॉन dy या d अपॉन dz। ये तीन डिफरेंशिएशन के सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हैं। कुछ भी हो सकता है यार, मैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप ये समझ गए तो अगर मैं इसकी जगह कुछ और भी रिप्लेस कर दूंगा तो आप वो भी समझ जाएंगे। अब आप देखिए इसका मतलब क्या है। क्या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या इसकी जगह कुछ और होगा? आप इसका मतलब समझिए क्या है बच्चों। मतलब है इसका, डी अपॉन डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। Differentiation with respect to x, इसका मतलब है स्टूडेंट differentiation with respect to y, और इसका मतलब है स्टूडेंट differentiation with respect to z, ठीक है? d upon dx भैया वैल्यू को छोटा कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, differentiation कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, d अपॉन dz डिफरेंशिएशन कर रहे हैं z के रेस्पेक्ट में। अब जितनी बात मैंने सिर्फ तीन बातें आपको बताई हैं बच्चों, तीन बार जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोग सिर्फ तीन बातों पर गौर करें। पहली बात मैंने आपसे बताई है कि अगर कहीं लिखा हुआ है x, कहीं लिखा हुआ है y, कहीं लिखा हुआ है z, कहीं लिखा हुआ है a, कहीं लिखा हुआ है v, यानी मैं जितने भी टर्म आपके सामने बोल रहा हूं उनके सामने d का टर्म नहीं है, स्मॉल d का टर्म उनके सामने नहीं है, तो इन सब का मतलब बच्चों लार्ज वैल्यू से है। जहां किसी भी वेरिएबल के सामने स्मॉल d का टर्म नहीं होगा तो एक बड़ी वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। और जब वेरिएबल के सामने स्मॉल d का टर्म होगा, जैसे कि dx या dy या dz या dA या dV। देखो, x के सामने स्मॉल d, y के सामने स्मॉल d, z के सामने स्मॉल d, a के सामने स्मॉल d, v के सामने स्मॉल d, बच्चों इसका मतलब स्मॉल वैल्यू से है, यानी चेंज इन वेरिएबल। चाहे वो चेंज आप x dx का मतलब छोटी वैल्यू से भी हो सकता है या चेंज से भी हो सकता है, dy का मतलब छोटी वैल्यू से भी हो सकता है या y की वैल्यू में होने वाले चेंज से भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। जब एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है वो हमारा डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जैसे कि आप ये समझिए, मान लीजिए कि मैंने एक कप कॉफी बनाया और कॉफी को बनाने के लिए मैंने चार चीजों का यूज किया है। मैंने वाटर का यूज किया है, मैंने कॉफी बीन्स का यूज किया है, समझ आ रही है बात? वाटर का यूज किया है, कॉफी बीन्स का यूज किया है, शुगर का यूज किया है मैंने, ठीक है, और मिल्क का यूज किया है मैंने, दूध का यूज किया है मैंने, ठीक है। इन चारों को मिलाकर मैंने कॉफी बना दी। अगर मैं कॉफी को दोबारा से इन सभी, हालांकि मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं, सिर्फ मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूं, अगर मैं उस कॉफी के कप को, मैंने कॉफी बना दी है एक कप के अंदर उसे डाल दिया है, अगर मैं कॉफी के कप को दोबारा से उन सभी चार चीजों के अंदर तोड़ना यानी स्प्लिट करना चाहता हूं, यानी एक कॉफी के कप को मैं वाटर में, कॉफी बीन्स में, शुगर में और मिल्क में
दोबारा से ब्रेक करना चाहता हूँ तो इसी प्रोसेस को डिफरेंशिएशन का नाम दिया जाएगा। एक बड़ी वैल्यू को छोटी छोटी वैल्यूज़ के अंदर ब्रेक कर देना जिनसे वो मिलकर बना है, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हो गई, ये एक्स ये डी एक्स। सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ये है डी अपॉन डी एक्स, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जितने भी मैथमेटिकल टर्म होते हैं सबका कोई ना कोई सिंबल होता है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएशन का ये सिंबल है। जब डिफरेंशिएशन आप कर लेंगे तो ये सिंबल वहाँ से हट जाएगा। कभी ऐसा तो नहीं होता कि आप लिखते हैं 2 × 3 इज इक्वल टू 6 और 6 के सामने फिर इंटू लगा देते हैं, करते हैं क्या ऐसा? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ये एक सिंबल है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जब 6 आ गया तो वो सिंबल वहाँ से हट गया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसे जर्नली सिर्फ 6 लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। तो वैसा ही काम हमें यहाँ करना है, डी अपॉन डी एक्स या डी अपॉन डी वाई या डी अपॉन डी जेड। स्टूडेंट ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल है, ये सिर्फ एक सिंबल है, ठीक है। हमें डिफरेंशिएशन करने के बाद इस सिंबल का यूज़ नहीं करना है, इस सिंबल को यहाँ से हम लोगों को हटा देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। देखो एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ, आज से मैंने आप लोगों की क्लास लेनी स्टार्ट करी है। मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके स्कूल एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों से इनकी थ्योरी या इनका कुछ चीज़ आप लोगों से पूछी जाए। ये सिर्फ मैथमेटिकल टर्म है जो आप लोगों से आने ही चाहिए। आप ये समझिए कि अभी हमने आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोगों को आनी चाहिए अगर हमें फिज़िक्स को पढ़ना है। अगर इन चीज़ों को हमने मिस कर दिया तो हम कभी फिज़िक्स को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो जब आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन करेंगे तो इनके जो नोट्स हैं, जब फिजिक्स स्टार्ट होगी तो नोट्स मैं आप लोगों के बनवाऊंगा पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मैथमेटिकल टूल्स के जो नोट हैं वो आपको अपनी समझ के हिसाब से बनाने हैं। जैसे भी आप समझ रहे हो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो और नोट्स को लिखना स्टार्ट करो, नोट्स को आप लोग लिखना स्टार्ट करो और अपनी लैंग्वेज में बनाकर नोट्स को लिखो कि जब भी आप उसे दोबारा से पढ़ें तो कम से कम आपको वो बात समझ में आए कि हाँ मैंने इसका मतलब ये नहीं ये लिखा था। स्टूडेंट ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि जब आप फिजिक्स पढ़ें, आप बुक से पढ़ें या वीडियो से पढ़ें या आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ें, हमेशा नोट्स मार्जिन बना लीजिए बराबर में। एक नोट्स आपको टीचर लिखवा रहे हैं, एक छोटा सा मार्जिन बनाकर उस मार्जिन के अंदर हमेशा अपनी लैंग्वेज के नोट्स आप ज़रूर लिखो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। मेरी पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई बात है बच्चों ये, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अपनी लैंग्वेज में लिखो जो कि जो भी आप लोगों ने उस चीज़ को समझा है। ओके बच्चों, चलिए डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हो गई, एक्स और डी एक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं आगे स्टूडेंट, देखते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या आने वाली है। देखो अगली कंडीशन हमारे सामने क्या आएगी बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन को लिख सकते हैं, लिखने का तरीका हमारा क्या होगा। देखिए अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मैंने ये लिखा स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो जब आप इसे देखेंगे तो तुरंत आप क्या समझेंगे, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, फेथ करिए सब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए भाई ये लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स, जो बच्चा अभी मेरे सामने बैठा हुआ है वो कोई भी बता देगा कि डी अपॉन डी एक्स का मतलब सिंबॉल से है। कहे से है? सिंबॉल से। इसका मतलब इतना है, डी अपॉन डी एक्स का मतलब इतना है कि भाई हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वैल्यूज को छोटा कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के। ये एक सिंबल है और इसका मतलब है कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। समझ आ रही बात? हमने डिफरेंशिएशन किया, लेकिन किसका किया? हम लोगों ने किसका डिफरेंशिएशन किया, कौन सी वैल्यू को हम लोगों ने ब्रेक किया, वो लिखा हुआ है यहां पर। इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में। मैंने लिखा d अपॉन डी वाई और मैंने लिखा यहां एफ वाई, तो क्या पढ़ोगे आप लोग इसे? एकदम से आपको मुझे जवाब देना है, आप इसे क्या पढ़ोगे? आप इसे पढ़ोगे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। भैया मैं इसे पढ़ूंगा कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई,
मैंने बच्चों आपके सामने लिखा डी अपॉन डी जेड और मैंने यहां लिख दिया एफ जेड। मुझे उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट मुझे इसका मतलब बताएगा। इसका मतलब क्या है बताइए, कौन बताएगा मुझे? इसका मतलब यह है डी अपॉन डी जेड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जेड के रेस्पेक्ट में। किसका कर रहे हैं भाई? हम इसका कर रहे हैं, एफ जेड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये तो मशीन है, ये समझ लो आप, ये जो डी अपॉन डी जेड है ये मशीन है। मशीन के अंदर हमने डाला किसे? हमने मशीन के अंदर इसे डाला, एफ जेड को। किसे डाला? एफ जेड को। तो डिफरेंशिएशन मशीन के अंदर से एफ जेड को गुजार रहे हैं हम लोग, एफ जेड को गुजार रहे हैं बच्चों, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसके रेस्पेक्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा कि सिंबॉल क्या है और इसे लिखने का तरीका क्या होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ एक्स, हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट ये पूरा हमारे सामने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, दिस इज अ सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमारे पास में डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन हो गई, एक्स और डी एक्स क्या है हमने उसके, हम लोगों ने उसके बारे में आप लोगों को बता दिया है कि भाई एक्स बड़ी वैल्यू है, डी एक्स छोटी वैल्यू है। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हमने एक कप कॉफ़ी का बनाया और वो एक कप कॉफ़ी का चार चीज़ों से मिलकर बना है। कहाँ से मिलकर बना है? ये मत कह देना कि पाँच से मिलकर बना है, कप भी है उसके अंदर भैया, कॉफ़ी की बात हो रही है सिर्फ, ध्यान रखना। हम लोगों ने चार चीज़ों से मिलकर बनाया है उसे, वो चार चीज़ें कौन कौन सी है? वाटर है, कॉफ़ी बीन्स है, शुगर है और मिल्क है। जब मैंने कॉफ़ी बना दी है, तैयार कर दी है, मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से उसे वहीं ले जाऊँ जहाँ से मैंने उसे बनाया था। मैंने चार चीज़ों से बनाया था, तो जब एक कप कॉफ़ी को मैं दोबारा से उन चार चीज़ों में स्प्लिट कर देता हूँ, एक कप कॉफ़ी को मैंने चार चीज़ों में स्प्लिट कर दिया है, तो बच्चों ये जो कॉफ़ी वाले कप का एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे थे कि जैसे ही हम कॉफ़ी के कप का डिफरेंशिएशन करेंगे वो अपने चार कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा जिनसे मिलकर वो बना था। किस किस से मिलकर बना था? कॉफ़ी बीन से, वाटर से, शुगर से और मिल्क से, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन को समझने के लिए। तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन समझा दी है, तरीका बता दिया है कि कैसे करेंगे, और सिंबॉलिक तरीका नहीं बताया, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बता दिया है। अब हम तरीका जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो करेंगे कैसे। रूल नंबर वन स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं रूल नंबर वन की कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। चलिए कौन बताएगा मुझे इसका मतलब क्या है बच्चों? डी अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों मैंने यहां पर लिखा एक्स टू दी पावर एन। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को क्लियरली ये बता दूं, देखिए ध्यान से, यहां एक्स है और यहां भी एक्स है। हमारे पास में रूल नंबर वन ये आया है स्टूडेंट, कैसे करेंगे हम लोग जरा गौर दीजिएगा आप लोग। डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, सिर्फ एक्स की पावर एन है। तो डिफरेंशिएशन का रूल नंबर वन बहुत ही ज्यादा आसान है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान काम है। क्या करेंगे आप लोग? ये जो x की पावर में n आपको दिख रहा है, इस n को सामने लेकर आ जाइए, ये बन जाएगा nx, और पावर में यानी n में से आप 1 को माइनस कर दीजिए। अभी तक का काम इतना है। मैंने इसका मतलब आपको बताया क्या है, d अपॉन डी एक्स मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके? पावर आगे और पावर में से मैंने एक कम कर दिया। अब अभी रुक जाइए, पूरा नहीं हुआ है काम। नीचे क्या है? dx, ऊपर d है। ये जो x आपको दिख रहा है, मेन काम यही है जो जहां बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। अब इस x का हमें, अभी तक तो हमने सिर्फ इसका किया है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। पावर का डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, पावर आगे, पावर में से एक कम। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। तो जो भी यहां वेरिएबल होगा उसे यहां लिखो dx, और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में भी चल रहा है dx, x का हमने दोबारा से कर दिया। अब तुम जानते हो यार dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा,
आंसर बन जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल बताता हूँ इसके ऊपर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई बच्चों जरा मतलब बताओ इसका, पढ़ो इसे ध्यान से, इसका मतलब क्या है, क्या पढ़ोगे आप लोग इसे। अब जितने मेरे सामने बच्चे बैठे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी बालक ऐसा नहीं होगा जो इसे ना पढ़ पाए, आराम से पढ़ लेगा बिल्कुल। क्यों भाई क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी अपॉन डी वाई, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? वाई की पावर फाइव का, वाई टू दी पावर फाइव का डिफरेंशिएशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में। क्या होगा डिफरेंशिएशन आप लोग ये देखें, डिफरेंशिएशन होगा पावर को आगे लेकर आएंगे, लो भैया पावर को आगे लेकर आ गए, वाई पावर में से एक कम कर देंगे, ये हो गया 5y टू दी पावर 4। अब क्या करना है जरा समझिएगा, अब यहां क्या दे रखा है y, इस y को इस d के साथ रखेंगे, dy नीचे भी क्या है dy, कैंसिल आउट, सो फाइनल आंसर इज 5y टू दी पावर 4। एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे कि हमारे पास बना d अपॉन डी जेड जेड टू दी पावर 1/2। जरा पढ़ो, कैसे पढ़ोगे इसे, आराम से पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे? जितने भी मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और जिनका मेन फोकस जेई का एग्ज़ाम है या नीट का एग्ज़ाम है और वो इस चीज़ को टारगेट मानकर चल रहे हैं कि हमें ट्वेल्थ के साथ ही जेई या नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, उन लोगों के लिए बस ये समझ लीजिए कि ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा बच्चों। क्योंकि अगर आपसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है ना और इसका एप्लीकेशन नहीं आता है तो बहुत सारे सवाल आप नहीं बना पाएंगे। जितनी भी बढ़िया प्रॉब्लम बनती हैं वो सब इसी के साथ बनती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। आप मतलब समझ गए इसका, अब मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है डी अपॉन डी जेड। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जेड के रेस्पेक्ट में, किसका, जेड की पावर 1/2। और रूल क्या है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है पावर 1/2 है सामने लेकर आ जाओ, सामने लेकर आ गए पावर को z, 1/2 में से 1 को माइनस कर दो, हमेशा 1 को माइनस करता है, पावर में से 1 माइनस कर दो, 1/2 में से हमने 1 को माइनस कर दिया, माइनस करके अभी लिख देंगे। अब यहां क्या है z और नीचे भी क्या है z, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी जेड अपॉन डी जेड, कट, आंसर क्या बना हाफ z, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस के 1/2, ये बनेगा बच्चों हमारे पास में आंसर। तो ये बच्चों हमारे पास में रूल नंबर 1 ये है d अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर n, पावर आ जाएगी आगे, पावर में से हो जाएगा एक कम, और dx से dx कैंसिल आउट, और ये हमारे सामने आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट आगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए अगली सिचुएशन क्या है हमारे पास में, जरा हम लोग ये देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों, जरा समझें आप लोग बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, तुम इसे रूल नंबर 2 समझो। रूल नंबर 2, डी अपॉन डी एक्स वाई की पावर 5, क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हो या रूल आप इसे समझ लो, ये है बच्चों कंडीशन। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन डी एक्स वाई टू दी पावर 5, d अपॉन डी एक्स वाई टू दी पावर 5। तो सबसे पहले आप y को x को भूल जाओ, आप जो बेसिक रूल है ना वो अप्लाई करो। बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल यह है कि यहां भले ही कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी होना चाहिए, सबसे पहले उसकी पावर को नीचे लेकर आओ, फिर पावर में से एक कम कर दो। पहले मैंने बेसिक रूल इसके ऊपर अप्लाई किया, भले ही यहां एक्स है और यहां वाई है, नो प्रॉब्लम, पावर आगे पावर में से एक कम। अब आप देखिए यहां वाई है यहां एक्स है, डी को रखो वाई के साथ, ये बन गया डी वाई और नीचे है डी एक्स, ये कंडीशन बन गई स्टूडेंट हमारे पास में। 5y टू दी पावर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स, वॉट इज डी वाई, डी वाई मीन्स स्मॉल वैल्यू ऑफ वाई, dx स्मॉल वैल्यू ऑफ dx। एक और कंडीशन हम देखते हैं, देखो आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, d अपॉन dx, जरा समझिएगा आप गौर के साथ, d अपॉन dx और मैंने यहां लिखा
जेड की पावर माइनस के 5। तो यार सबसे पहले तो तुम देखो ध्यान से, पूछ क्या रखा है हम लोगों से, हमसे पूछा है डी अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है कोई बताएगा हमें? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट आप लोगों को, और जेड की पावर है माइनस के 5। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देखते हैं कि आंसर क्या निकल कर आएगा। जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये जो जेड की पावर माइनस 5 है ना, ये सामने आ जाएगी। बच्चों आ गई माइनस 5 पावर सामने, माइनस 5 में से एक कम करेंगे माइनस 6, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, मैंने कर दिया इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ z है और यहाँ x है, डिफरेंट है, तो d को रखेंगे z के साथ dz और नीचे क्या आएगा dx, ये आंसर हमारा इसका बनने वाला है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंशिएशन है क्या। डिफरेंशिएशन का यूज़ हम कब करेंगे? जब एक कॉम्पैक्ट वैल्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना हो जिनसे मिलकर वो बनी है, तब हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। या बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है डी अपॉन डी एक्स या डी अपॉन डी वाई या डी अपॉन डी जेड, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। मैंने आपको अभी तक सिर्फ एक रूल बताया है, मैं बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी फिजिक्स, क्योंकि देखिए हर ये एक यूनिवर्सल सा नियम है बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं कोई रखता नहीं हूं इस तरीके की बातें, यूनिवर्सल सा नियम है, हर आदमी बदलाव चाहता है। तो हम लोग भी ये बदलाव चाहते हैं कि जो हमारे सामने स्टूडेंट बैठकर पढ़ रहे हो, ये हमारी दिली इच्छा है यार कि हर बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नजर आए बिल्कुल, कि हाँ उसे क्या बताया जा रहा है, ये बात उसे समझ में आए। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम करने वाले कहाँ हैं, कहाँ हम इसका यूज़ करेंगे, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम इसके ऊपर कैसे बनाएंगे, ये मेन कारण है बच्चों। तभी हमने व्हाइट बोर्ड और चॉक बोर्ड के बैकग्राउंड से निकलकर थोड़ा आगे की सोची है और इंटरेक्टिव पैनल हम आपके सामने लेकर आए हैं स्टूडेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने कुछ कंडीशंस बताई है, ठीक है, आज की क्लास में यहीं रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगा। ये 2 अप्रैल की क्लास है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि 7 अप्रैल तक आप लोगों की क्लास ऐसे ही चलेगी। आप हमारा ऐप लाइफाई लर्निंग गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट करा सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उनका पूरा प्रॉपर मतलब आप मेरे सामने लिखेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं और आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, डी अपॉन डी आर, स्मॉल आर है बच्चों, ये भी वेरिएबल है, और आर की पावर 7/2, ये भी वेरिएबल है। एक तो मेरे पास में ये है, दूसरा है डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ है जेड की पावर -11/9। ये 2 क्वेश्चन है बच्चों आपके पास में, बहुत मामूली से, एक ये है और एक ये है। पहले इनका सेंस लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं और आंसर क्या आने वाला है। तो आज की क्लास बच्चों हमारी इतनी ही है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, जो भी आपके डाउट्स आएँ मेरा नंबर नीचे मौजूद है व्हाट्सएप पर, आप मुझे व्हाट्सएप से अपने डाउट भेज सकते हैं या कमेंट्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान अच्छे से और जल्दी से जल्दी किया जाए बच्चों। आप लोग भी मेहनत से और मन लगाकर पढ़ें।